गोपालगंज जिला समिति आजकल आलोचना सभा सम्मानित सभापति गोपालगंज जिला समिति संग्रामी सभापति शेख कबीर होसेन आजकल अनुष्ठान प्रधान अतिथि विशेष अतिथिबृंद उपस्थित श्रुतिमंडली सर्वकाले सर्वश्रेष्ठ बांगाली जातिर जनक बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान प्रति श्रद्धा जानाई बंगमाता शेख फजिलुद्दीनेसा मुजिब सह पचात्तर सकल शहीद श्रद्धा जाना सकल मुक्तिजोद्धा जर रक्त बिनिमय ये स्वाधीन होशु दे के जिन बंधु हिसाब से देखते खोका से गोपालगंजे खोका जख छोट शिशु बस जरा खबर पेत ना तक गोला खबर दी जिन कपड़ छा तक कपड़ दित स्कूल घरे पानी पड़े से छात्र रक्षा करारे तक कार सरवार दिए के फजल हक सहेब उन के अनुरोध कर मान निजे गढ़े तोलार जे जा प्रयोजन आज के जरा अल्प बयसी युवक तर के विषयगुलो भेबे देखार प्रयोजन आज बंगबंधु इस्लामिया कलेजे पढ़े 1966 साल हमें युवक बोल बंगबंधु युवक क्या करें जे बिहारे जे साम्प्रदायिक दांगा से दांगा दमने उन्नी इस्लामिया कलेज तक छात्र के लिए संघटित देशे जो हमें युव समाज के देखी जो मंदिर जो भेजे फेले तक तर के झाँपे पड़ते हैं बंगबंधु से आदर्श नहीं बंगबंधु एक भाषा सैनिक इतिहास तेम कर लेखा है ना 1948 प्रथम छयदिन कारावरण करें भाषार आंदोलन और 52 जो भाषा आंदोलन कारागारे बसे उन्नी क्यों एटे संघटित कर भाषा सैनिक कथा मने रेखे देश के आो सामने दिखे एगिए नहीं जाब अने एक हुईसेल दिए ना स्वाधीनता अपनारा जान 1966 जो छय दफार आंदोलन से ही आंदोलन बंगबंधुर जो छय दफा छोटाई छो स्वाधीनता उन्नी पूर्व पाकिस्तान एक मुद्रा थकबे पश्चिम पाकिस्तान एक मुद्रा थकबे उन्नी तर प्रतरक्षा बाहन आलदा प्रतरक्षा बाहन आलदा देश इनकाम बैंके जमा तरह इनकाम से जमा अर्थात छय दफार मध्य बंगबंधु स्वाधीनतार कथा 70 निर्वाचने एकक नेता हुए उन्नी स्वाधीन कर देश की तरह कथाय जय बांगला स्लोगान देश स्वाधीन कर से ही स्वाधीनता के भूलुंडित करारे किसिंजार बोले तलाभीन झुड़ी एवं लक्ष्य करू आगे अपनारा शुने कूड़ीग्राम से ही बसंती के 10 टाकार कपड़ बद दिए 200 टाकार जाल पड़िए मीडिया दिए बंगबंधु के तक देशे दुर्भिक्ष तैरी मन करी बंगबंधु $99 छिल पर कैपिटा इनकाम अपन मन स्वाधीनतार समय उन्नी दरिद्र देश के LDC ते उन्नीत करें 3.5 बचरे $274 उन्नीत करें पर कैपिटा इनकाम बंगबंधु कन्या आज के से $3000 उन्नीत कर 2006 साले छिल मात्र $600 आज के शुद्ध बोलते चाहिए बंगबंधु कन्या आछे बोले बंगबंधु के जरा हत्या करल तारा कारा 1975 से जिया और मुस्ताक हत्या करें मरणोत्तर विचार चाहिए क्यों तारा हत्या करे बोलबो जरा इंडेमनिटी अध्यादेश करे जरा इंडेमनिटी अध्यादेश करे खुनीदेर के हत्याकारी के चाकरी दिए एम्बासिते चाकरी दिए तादेर विचार करा जाबे ना बोले आईन करे ताराई तो खुनी से मुस्ताक जिया तादेर मरणोत्तर विचार हवा उचित आमी मने करी विचारपतिगण एखाने आछेन नतून करे आईन करे हलेओ जे कथाटी एकदिन बंगबंधु बोलेछिलो जे ए दरिद्र मानुषेर जन्य सचिव महोदय ए काजटा करते हबे सचिव महोदय बोलेछिलेन आईन तो नाई तक उन्नी मानुषर आईन तैरी करते हैं एदेश खुनी देर के विचार मन करी मरणोत्तर विचार आईन की करते हैं बंगबंधु कन्या आज के बंगबंधु कन्या के हत्या करार षड़यंत्र हो जियाउर रहमान पुत्र 2004 साल 21 आगस्ट हत्या करते चेहर क्यों 75 हत्या करा जाए आज के क्योंकि 2004 बंगबंधु कन्या के हत्या करो तो आज के दाड़िए कथा बोलते पारतम ना अर्थात बंगबंधु छाड़ा बंगबंधु कन्या छाड़ा अस्तित्व नाई तई आज के क्यों करते आगामी निर्वाचन ये आगस्टे दाड़िए प्रत्येक के शपथ नीते हैं बंगबंधु कन्या के जिन बंगबंधुर मत क्यों हत्या करते ना पारे से ही सन्त्रासी अग्निसन्त्रासी षड़यंत्रकारी और ओई 75
একুশে আগস্টের হত্যাকারীদেরকে অবশ্যই বিচার করতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। এবং আসুন আমরা সবাই মিলে আগামী নির্বাচনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন করে এদেশে 397টা হেলথ কমপ্লেক্স করেছিলেন, আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যা কমিউনিটি ক্লিনিক করে গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পৌঁছে দিয়েছেন, মেটফরমিন এবং ইনসুলিনের মতো ওষুধ দিচ্ছেন, আজকে পার ক্যাপিটাল ইনকাম শুধু নয় দারিদ্রের হার আজকে উনি কমিয়েছেন, আজকে শিক্ষিতের হার বাড়িয়েছেন, আজকে এই জায়গায় বিদ্যুৎ যায় না 3000 মেগাওয়াট থেকে 25000 মেগাওয়াট উন্নীত হয়েছে, মেট্রো রেল, পদ্মা সেতু, কর্ণফুলী টানেল, এই সব কিছুই বঙ্গবন্ধু কন্যার উন্নয়ন। এই উন্নয়নকে ধ্বংস করতে চায় বলেই অগ্নি সন্ত্রাসীরা মাঠে নেমেছে। আসুন তাদেরকে দমন করে আগামী নির্বাচনেও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্যা কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আবারও আমরা প্রধানমন্ত্রী করে দেশের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাব, স্মার্ট বাংলাদেশ করব। এই কারণে আমাদের সবাইকে শেখ হাসিনার সৈনিক হিসাবে এগিয়ে যেতে হবে, এই কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে এবং আমাকে এমনকি এখানে বক্তব্য রাখার জন্য শেখ কবির হোসেন সহ অন্যান্যরা যা সুযোগ দিয়েছেন তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।